टेक्स की विशेषताएं। सबसे पहला है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वैचारिक स्पष्टता। ए हाइपोथेसिस शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड अंडरस्टैंडेबल। इट शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टेबल। हाइपोथेसिस जो हमें बनानी है ये क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, हमें समझ में आनी चाहिए। सेकेंड इज एम्पेरिकल रेफरेंट, अनुभवजन्य संदर्भ। हाइपोथेसिस मस्ट हैव एम्पेरिकल बेसिस फ्रॉम द एरिया ऑफ इंक्वायरी। जो हमने एरिया ऑफ इंक्वायरी लिया है उसका एम्पेरिकल बेसिस होना आवश्यक है। थर्ड रेलिवेंट्स, प्रासंगिक। जो हाइपोथेसिस है ये हमने जो प्रॉब्लम ऑफ स्टडी लिया है उससे रेलिवेंट होनी चाहिए। द हाइपोथेसिस शुड बी रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम बींग स्टडीड। फोर्थ इज टेस्टेबल, परीक्षण योग्य। जो हाइपोथेसिस है वह परीक्षण योग्य होनी चाहिए, जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ऐसी हाइपोथेसिस है जिसे हम वेरीफाई नहीं कर सकते तो उसका कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट लॉजिकल, तार्किक। ए हाइपोथेसिस शुड बी लॉजिकल, इसका तर्क होना चाहिए। इलॉजिकल हाइपोथेसिस नहीं होनी चाहिए।